बात सुनिए, बहुत लोगों का अभी तो तमाम लोगों का, केंद्रीय मंत्री लोगों का बहुत वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी से सपा में आने का कारण? बीजेपी से सपा में आने का कारण नहीं, कौन सा काम जो वर्तमान सांसद नहीं कर पाए हैं, आप सांसद बनेंगे तो नहीं नहीं, आप मैं कुछ नहीं मानू, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ एक रुपए का काम दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं बाहरी नहीं हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप जितना पूछेंगे उतना। नामांकन किया आपने, किस मुद्दे को लेकर जनता में जाएंगे? किस मुद्दे को लेकर जनता में जाएंगे वोट करने? बीजेपी से सपा में आने का कारण? वोट मांगने के लिए कई मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। जिस मुद्दे पे आप जाना चाहो उस मुद्दे पे। बीजेपी से सपा में आने का कारण? बीजेपी से सपा में आने का कारण निश्चित रूप से देश और दुनिया जान रहा है आज क्या स्थिति बन गई है। और अभी एक नहीं कई बार है, अभी आपको 4 तारीख के सारा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तन का हमेशा जमाना रहा है, परिवर्तन का हमेशा जमाना रहा है। दुनिया विकास चाहती है, दुनिया विकास चाहती है और दुनिया अपने मुद्दे पे चलती है। जब कोई भी दल अपने रास्ते से भटक जाता है तो जब वो भटक गए तो हमारा दल जहाँ पे मैं आया हूँ, मैं अपने स्थान पे आया हूँ कि अपने स्थान पे और अपने मुद्दे पे हमारी पार्टी टिकी हुई है। आज उन्हीं के रीतियों नीतियों से मैं खुश होकर के पार्टी ज्वाइन किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज यहाँ पर रमेश बिंद का जो टिकट दे करके सम्मान किया है वो केवल मिर्जापुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के ओबीसी के लोगों का, सभी लोगों का सम्मान। जीतने के बाद क्या आप करेंगे सर? मिर्जापुर की जनता आप किस तरीके से आश्वस्त हो कि आप जीतने के बाद पार्टी में रहेंगे और मिर्जापुर जनता के लिए काम करेंगे? आज मैं 15 साल यहाँ पे रहा भी हूँ, 15 साल तक मैं रहा भी हूँ और निश्चित रूप से जनता के सुख दुख में नेता जी, एक सवाल है कि किस किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? आप जब मुद्दा पूछिए तो फिर मैं बताऊं कि किस मुद्दे। नहीं, कौन सा काम जो वर्तमान सांसद नहीं कर पाए हैं, आप सांसद बनेंगे तो? नहीं नहीं, आप जहां पर इकट्ठा हुए हैं, जो कौन सा सांसद क्या किया है आप उनसे नहीं पूछे हैं? नहीं तो आप जब सांसद बनेंगे तो कौन सा नया काम करेंगे जो ये नहीं कर पाई हैं? पहले हट करके आप क्या करना है, नया करने वाले सांसद है, कितना चुनौती आप मानते हैं कि उनको चुनौती दे पाएंगे? मैं ये कुछ नहीं मानू, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ एक रुपए का काम दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये वही चारों तरफ बिल्डिंग दिखाई दे रही है या कोई परिवर्तन हुआ है? वही बिल्डिंग है कि कोई परिवर्तन हुआ है आप बता दीजिए, कोई परिवर्तन हुआ है? पटेल जी कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज दिया, हमने विश्वविद्यालय दिया। बड़ा अच्छा आपने, एक मिनट, बड़ा अच्छा आपने काम किया है। मैं भी अगर किसी का कोई तबीयत खराब हो जाए यही जाता है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मिलता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिलता है। मेडिकल कॉलेज नाम का बना है लेकिन हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल है तो मेडिकल कॉलेज नहीं, कौन सा है? आज इतना दिन से जहाँ पर आज देखे हैं पूर्ववर्ती पूर्व की यहाँ पे BHU मिर्जापुर में है लेकिन आज तक वहाँ एम्स का दर्जा नहीं मिला। वो केंद्र का काम है, वो केंद्र का काम है। और आज केंद्र की बात करिए, ये उनका प्रदेश की बात कर रहे हैं और प्रदेश के बारे में यहाँ के बारे में मैं जो कल था रेफर टू हायर सेंटर जो कल था वो आज है, आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संसद जी का वीडियो आपका वायरल हो रहा है, कौन सा वीडियो वायरल? एक वीडियो है हम आपको दिखाएंगे, मैं जान रहा, एक मिनट एक मिनट, नहीं बात सुनिए। बहुत लोगों का अभी तो तमाम लोगों का, केंद्रीय मंत्री लोगों का बहुत वीडियो वायरल हुआ है, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप, उसका जवाब दीजिए पहले। तो सवाल आपसे कर रहा बुड्ढा, आप हमसे सवाल कर रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट, तमाम लोग बहुत एडिट करके आज उसके बारे में मुकदमा तो भी तो कायम हुआ था, उसके बारे में मुकदमा भी कायम गोपीगंज में हुआ था लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं, समाप्त कर दिया कि ये एडिट है। सांसद जी आज नामांकन आप करने आए थे, आपको ऐसा महसूस हुआ क्योंकि आपके कुछ समर्थकों ने कहा कि साजिश की जा रही है, नामांकन नहीं होने दिया जाएगा? कौन रोका भी गया शायद आपको? हमें
गेट पे? हाँ, मैं पहली बात, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मेरे को यहाँ कोई रोकने वाला मिलेगा। फिर आज इससे कोई मतलब नहीं है कि इतना मैं कमज़ोर नहीं हूँ यहाँ पर। नेताजी लास्ट।